हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। तो यहाँ हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फाइंड करने का इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। इसके पहले, अगर आपने पहला इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, जहाँ मैंने क्लियरेंस क्लियरेंस रेशियो ये सब की बात की। अगर क्लियरेंस क्लियरेंस रेशियो उसके बारे में फंडामेंटल्स क्लियर है, तो वॉल्यूमेट एफिशिएंसी इक्वेशन जो डिराइव करने वाले हैं उसमें वो टॉपिक का यूटिलाइजेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का इक्वेशन डिराइव करने से पहले मुझे एक छोटा सा इक्वेशन डिस्कस करना है। जबकि रेसिप्रोकेटिंग एयर कॉम्प्रेसर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में आएंगे, तब उसको सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन बहुत यूजफुल है। और वो इक्वेशन है पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। कंप्रेसर जब भी हम चलाते हैं, कंप्रेसर रन करते हैं, तो पावर कंजप्शन होता है। कितना पावर कंजप्शन होगा तो वो फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन यूजफुल है। अभी ये इक्वेशन को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। किस टाइप का कंप्रेसर है? इफ इट इज अ सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर देन दिस इक्वेशन इज यूजफुल। इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एन डिवाइडेड बाई 60 × 1000 किलोवाट। जहाँ डब्ल्यू जो है वो हम थियोरेटिकल इक्वेशन हमने जो डिराइव किया था, एन अपॉन एन माइनस वन पी टू अपॉन पी वन रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, तो वो इक्वेशन का यूटिलाइज करके हम डब्ल्यू फाइंड करेंगे। डब्ल्यू हमें पता है कि जूल पर साइकिल में आएगा, और डब्ल्यू यहाँ इंसर्ट करेंगे तो हमें थियोरेटिकल पावर मिलेगा। इंडिकेटेड पावर मीन्स थियोरेटिकल पावर कितना चाहिए रन करने के लिए, उसका एस्टिमेशन यहाँ मिलने वाला है। अगर डबल एक्टिंग कंप्रेसर है तो इक्वेशन में एक ही बदलाव है। एन जो है, एन की जगह हम यहाँ यूज करेंगे ट्वाइस एन, टू टाइम्स। तो इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस एन डिवाइडेड बाई 60 × 1000 किलोवाट। तो एन मीन्स स्पीड, आरपीएम में है, तो डबल एक्टिंग के तो टू टाइम्स इट विल बी मल्टीप्लाइड, तो स्पीड डबल हो जाएगी। और यहाँ हमें पता है कि डब्ल्यू जूल पर साइकिल में है, तो पावर जब किलोवाट में चाहिए तो इसको हम डिवाइड करेंगे थाउजेंड से। थाउजेंड से डिवाइड नहीं करते तो जूल पर साइकिल मीन्स जूल मिलेगा, मीन्स वाट मिलेगा, लेकिन उसको डिवाइड करेंगे थाउजेंड से डिनोमिनेटर में, तो पावर विल बी अवेलेबल इन किलोवाट। तो इक्वेशन सिंपल है, हमें W इंसर्ट करना है और N इंसर्ट करना है, और वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द थियोरेटिकल पावर, इंडिकेटेड पावर। अभी चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए भी फिर वही पीवी डायग्राम हमें यूजफुल है। ये पीवी डायग्राम है कंसिडरिंग क्लियरेंस। तो हमें पता है कि 4:1 इज द सक्शन प्रोसेस, ये देन 1:2 इज द पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस, 2:3 इज डिलीवरी, एंड 3:4 इज अगेन एक्सपांसन, दैट इज पॉलीट्रॉपिक एक्सपांसन। ये एक्सपांसन कौन सा है? क्लियरेंस स्पेस में जो एयर बची हुई है, ट्रैप है, वो एयर खुद एक्सपांड होती है, और एक्सपांसन की वजह से नई एयर जो हम सिलेंडर में लेते हैं, फ्रेश एयर, उसका वॉल्यूम कम रहता है। और वो वॉल्यूम कौन सा है? V1 - V4, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम। और ये है जो रियल स्वेप्ट वॉल्यूम है, वी एस। और इतना जो पार्ट है वो वी सी है, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम थियोरेटिकल जो है, उसको दोनों को एडिशन कर दे तो हमें टोटल सिलेंडर वॉल्यूम मिलेगा, टोटल वॉल्यूम। तो सिलेंडर वॉल्यूम में क्लियरेंस भी आ गया और स्वेप्ट वॉल्यूम भी आ गया। लेकिन स्वेप्ट वॉल्यूम और ये इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम, वो दोनों में फर्क है, वो आपको समझ में आना चाहिए। स्वेप्ट वॉल्यूम क्लियरेंस तक है, जबकि इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट होता है, क्योंकि नया एयर यहां से शुरुआत होगी, क्योंकि 3 to 4 डेट मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय ओनली क्लियरेंस एयर। तो उसके बेस पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का इक्वेशन या डेफिनेशन हमें मिलता है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसको कहेंगे? तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जिसको हम ईटा वी से दिखाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम पर साइकिल टू स्वेप्ट वॉल्यूम पर साइकिल। मीन्स इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम दोनों का जो रेशियो है उसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो इटा वी
का हमने यहाँ इक्वेशन लिख दिया और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ईटा वी इज इक्वल टू इफेक्टिव सॉल्ट वॉल्यूम कितना है, वी वन माइनस वी फोर, तो ये वी वन माइनस वी फोर और स्वेप्ट वॉल्यूम जिसको हम कहेंगे वी एस, तो दोनों के पैरामीटर्स हमने लिख दिए। अभी लुकिंग टू दी पीवी डायग्राम हमें ये पता कि वी वन इज इक्वल टू वी एस प्लस वी सी, वी एस मीन्स ये स्वेप्ट वॉल्यूम एंड वी सी मीन्स ए क्लियरेंस वॉल्यूम, दोनों का एडिशन हमें वी वन मिलेगा टोटल वॉल्यूम, तो वी वन की जगह हम वी एस प्लस वी सी लिख सकते हैं, तो इटा वी इज इक्वल टू वी एस प्लस वी सी माइनस वी फोर डिवाइडेड बाय वी सी, सॉरी वी एस प्लस वी सी माइनस वी फोर डिवाइडेड बाय वी एस, क्योंकि स्वेप्ट वॉल्यूम डिनोमीटर में है। अभी ये स्वेप्ट वॉल्यूम जो डिनोमीटर में लिखा है उसको हर एक पार्ट के लिए, हर एक कॉम्पोनेंट के लिए सेपरेट कर देते हैं, तो वी एस अपॉन वी एस मीन्स वन प्लस वी सी अपॉन वी एस एंड माइनस वी फोर अपॉन वी एस, तो एक ऐसा रिलेशनशिप मिलेगा जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया। अभी यही इक्वेशन को आगे चलाने के लिए हम पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन जो था उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये जो पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन हुआ था क्लियरेंस एयर का, वो थ्री फोर प्रोसेस को जब हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडरिंग पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन प्रोसेस थ्री फोर, तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉलीट्रॉपिक है तो पी वी रेस टू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स पी थ्री वी थ्री रेस टू एन इज इक्वल टू पी फोर वी फोर रेस टू एन, और यहाँ v4 और v3 को एक साइड कलेक्ट करते हैं, वी फोर अपॉन वी थ्री रेस टू एन इज इक्वल टू पी थ्री अपॉन पी फोर, और इंडेक्स को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो v4 फोर इज इक्वल टू वी थ्री इन द ब्रैकेट पी थ्री अपॉन पी फोर रेस टू वन अपॉन एन, यहाँ जो इंडेक्स है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऐसा रिलेशन मिलेगा v4 के लिए। मैं v4 के लिए क्यों फाइंड कर रहा हूँ, तो जो प्रीवियस इक्वेशन हमने डिराइव किया है, यहाँ मुझे v4 की वैल्यू इंसर्ट करनी है इस जगह, तो v4 मैंने ये तय किया, लेकिन हमें पता है कि v3 इज इक्वल टू vc, एक कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम थ्री पॉइंट पर जो है वो vc है, p3 एंड p2 सेम है तो p3 इज इक्वल टू p2, एंड p1 एंड p4 सेम है तो p4 इज इक्वल टू p1, ये सभी वैल्यूज इस इक्वेशन में इंसर्ट करते तो v4 इज इक्वल टू v3 की जगह vc, p3 की जगह p2, P4 की जगह P1 रेस टू वन अपॉन एन, तो ऐसा रिलेशन मिला, और ये V4 की वैल्यू जो है वो हम पहले वाले इक्वेशन में इंसर्ट करते हैं, तो इक्वेशन नया कैसा मिलेगा, इटा V इज इक्वल टू वन प्लस VC अपॉन VS माइनस VC अपॉन VS रेस टू इनटू P2 अपॉन P1 रेस टू वन अपॉन एन। देखिए ये इक्वेशन जहां हमने V4 की वैल्यू इंसर्ट की, ये हमारा v4 था, तो 1 प्लस vc अपॉन vs, 1 अपॉन vs तो रहेगा लेकिन v4 की वैल्यू मैंने क्या इंसर्ट कर दी, ये vc p2 अपॉन p1, तो vc ऊपर आ जाएगा, vs तो नीचे था ही, p2 अपॉन p1 रेस टू 1 अपॉन n, और इस इक्वेशन में 1 ऐसे ही रहा और माइनस साइन बाहर रहते हैं, और vc अपॉन vs दोनों टर्म में कॉमन है, ये दोनों टर्म्स में, तो उसको भी मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर रहेगा P2 अपॉन P1 रेस टू 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस k, k क्यों, क्योंकि VC अपॉन VS वो क्लियरेंस रेशियो है, पहले वाले वीडियो में हमने देखा था क्लियरेंस रेशियो इज द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम, तो VC अपॉन VS मीन्स k है, एंड हियर P2 अपॉन P1 रेस टू 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू वन माइनस के पी टू अपॉन पी वन प्रेशर रेशियो, उसको हम आर से दिखा सकते हैं, तो आर रेस टू वन अपॉन एन माइनस वन, तो यहाँ ए इक्वेशन बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया, इटा वी मीन्स वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू वन माइनस के आर रेस टू वन अपॉन एन माइनस वन, जहाँ क्ले के क्या है क्लियरेंस रेशियो है और आर क्या है प्रेशर रेशियो है, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास है तो हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिसाइड कर सकते हैं, ये इक्वेशन का एसेंस है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार वैल्यूज दी गई है तो हम ईटा भी फाइंड कर सकते हैं क्लियरेंस रेशियो और प्रेशर रेशियो की वजह से। अभी जब भी आप ये इक्वेशन देखेंगे तो ईटा भी कितने फैक्टर पर डिपेंडेंट है, ईटा भी जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तीन पैरामीटर पर डिपेंडेंट है, एक तो है के, दूसरा है आर और तीसरा है एन, K means clearance ratio,
आर मीन्स प्रेशर रेशियो एंड एन मीन्स इंडेक्स ऑफ कॉम्प्रेशन और एक्सपांसन। तो तीनों का ईटा वी के साथ रिलेशनशिप क्या है वो मैंने नेक्स्ट ग्राफ में दिखाया है। तो इस ग्राफ में मैंने तीनों पैरामीटर्स का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के साथ क्या रिलेशनशिप है वो दिखाया है। तीनों पैरामीटर वाई कोऑर्डिनेट पर, तीनों पैरामीटर एक्स कोऑर्डिनेट पर लिए हैं। आर मीन्स प्रेशर रेशियो, एन इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन एंड के इज योर क्लियरेंस रेशियो, और वाई कोऑर्डिनेट पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। अब सबसे पहली बात, जब भी क्लियरेंस रेशियो बढ़ता है मीन्स ये लाइन बीच वाली लाइन, तो क्लियरेंस रेशियो एक्स कोऑर्डिनेट पर जैसे इंक्रीज होगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाई कोऑर्डिनेट है तो वो डिक्रीज होती है। तो हम कह सकते हैं व्हेन ईटा वी इज डिक्रीजिंग व्हेन के इज इंक्रीजिंग। तो जैसे के बढ़ा उसका इनवर्स रिलेशनशिप है, क्लियरेंस रेशियो जैसे बढ़ा ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। सेकंड, प्रेशर रेशियो, जैसे प्रेशर रेशियो इंक्रीज हुआ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उसमें भी डिक्रीज होगी। आप देख सकते हैं ये इनवर्स रिलेशनशिप है, प्रेशर रेशियो जैसे भी बढ़ा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट की और वैल्यू बढ़ी लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू डाउन हुई, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। लेकिन जब भी इंडेक्स ऑफ कॉम्प्रेशन बढ़ता है, इंडेक्स ऑफ कॉम्प्रेशन या एक्सपांसन, तो ईटा वी इंक्रीज होता है, साइमल्टेनियसली ईटा वी इज इंक्रीज। तो ये तीन बातें हम याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक छोटा था आज का, हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का इक्वेशन डिराइव करना था, साथ में पावर रन पावर फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन है वो भी हमें याद रखना है। तो इतना छोटा टॉपिक आप खुद एक बार लेक्चर सुन के अपनी ओर से तैयार कर लीजिए। नए लेक्चर में या नए वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।